हेलो एवरीवन, बरसात के मौसम में फैमिली के साथ पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा होता है। यूँ तो पकौड़े हम बहुत सारी चीज़ों के बना सकते हैं, लेकिन अगर घर में सिर्फ प्याज हो तो भी आप टेस्टी पकौड़े का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो भी आसान से तरीके के साथ। हमारे यहाँ प्याज के पकौड़े को प्याजी भी बोलते हैं, कई जगह इसे कांदा भजी भी बोलते हैं। प्याज के पकौड़े हमारे घर में सभी के फेवरेट है, इसलिए इसकी रेसिपी हम आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 हरी मिर्च। इससे आप 10 से 12 पकौड़े आराम से बना सकते हैं। प्याज को बारीक ना काट के इसे लंबे लंबे शेप में चॉप कर लीजिएगा। प्याज की बाइंडिंग के लिए हम 100 ग्राम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लहसुन और अदरक ले लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। सूखे मसालों में हमने ले लिया है गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। हमने अजवाइन, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, इनका भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में लेके और इसे मिक्स कर लें। अब हम सारे सूखे मसाले आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। आप एक साथ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बाइंडिंग अच्छी नहीं बनेगी और बेसन की कोटिंग अच्छी नहीं होगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे, जस्ट फ्राई करने से पहले, क्योंकि प्याज से पानी छूटने लगता है नमक डालने के बाद और पकौड़े क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। अब आप एक पैन में ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे उसे गरम कर लीजिए। ऑयल के गरम होते ही हम उसमें अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़े जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो आप उसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लें। हमारे पकौड़े सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इसे केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लें। सो गाइज, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिप ऑफ द रेसिपी ये है कि नमक आप सबसे लास्ट में ऐड करें फ्राई करने से पहले, नहीं तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।